Assalamu alaikum viewers, how are you? I hope you are all happy. So viewers, आज मैं आपको खामोश लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि खामोश लोग जो हैं वो ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं कि नहीं। तो viewers, जो खामोश लोग हैं, जो साइलेंट लोग हैं, वो लाइफ में ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। मैंने बहुत से स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को और अपने क्लास फेलोज को देखा है कि वो ज़्यादातर खामोश रहते हैं। वो उनमें कॉन्फिडेंशियल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ना खामोश रहते हैं। इस वजह से मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि खामोश लोगों को इंस्पायरेशन इससे मिल सके कि उनमें बहुत सी सलाहियतें अल्लाह ताला ने रखी है कि जिनकी वजह से वो कामयाब हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे समंदर में खामोशी इस बात का बता देती है कि समंदर में तूफान आने वाला है, ऐसे ही खामोश लोगों की लाइफ है कि खामोश लोग जो है वो खामोशी में अपना वर्क करते हैं। उनमें अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें रखी होती हैं कि वो कामयाब तर ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। वो इतने वर्क हार्ड कर सकते हैं कि वो कामयाब हो सकते हैं बजाय दूसरे निस्बत। लेकिन इनमें थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल प्रॉब्लम होती हैं जिसकी वजह से इनको जो है वो माशरा, जो कि इनके क्लास फेलोज होते हैं, वो इनके बारे में कुछ मतलब कि गलत कहते हैं कि इसमें कॉन्फिडेंशियल प्रॉब्लम है, ये बोल नहीं सकता, इसको ऑडियंस इंट्रैक्शन नहीं। तो जो खामोश लोग होते हैं उनमें अल्लाह ताला ने बहुत सी सलाहियतें रखी होती हैं जिनकी वजह से वो कामयाब हो जाते हैं। और खामोश लोगों की एक और भी बात होती है कि ये अपना काम जो है वो खामोशी में करते हैं, अपनी सक्सेस के लिए वो वर्क जो है वो खामोशी में करते हैं, लेकिन उनको जो रिवॉर्ड मिलता है वो तालियों की गूंज में ही मिलता है। तो जो खामोश लोग होते हैं उनमें अल्लाह ताला ने बहुत सी ऐसी सलाहियतें रखी होती हैं जिनकी बुनियाद पर वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो जो है वो साइलेंट पीपल के लिए, साइलेंट लोगों के लिए जो कि सिर्फ खामोश रहते हैं, लेकिन उनमें अल्लाह ताला ने बहुत सी ऐसी सलाहियतें रखी होती है जिनकी बुनियाद पर वो आगे बढ़ सकते हैं, अपने सक्सेस, अपने अचीव्स को जो है वो, अपने गोल्स को वो हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।